नमस्कार दोस्तों, आज से मैं बात करने वाला हूँ बीएससी सेकंड ईयर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अकार्बनिक रसायन की। तो यहाँ पर मैं राजस्थान की जो सभी यूनिवर्सिटी है उसके अलावा अलवर का आरआर कॉलेज है, तो सबके लिए ये वीडियोस होने वाली है जो हम इनऑर्गेनिक स्टार्ट करने वाले हैं, तो सबके सिलेबस के पॉइंट आएंगे। तो सारी क्लासों के लिए मैं बता दूंगा, सारी यूनिवर्सिटियों के लिए मैं बता दूंगा किसका कौन सा टॉपिक है। तो आज हम सभी यूनिवर्सिटी जो राजस्थान की है, आरआर कॉलेज है, तो सबके जो कॉमन यूनिट है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो यूनिट पढ़ने वाले हैं वो हमारे पास है उपसहसंयोजक यौगिक, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या बोलते हैं बच्चों? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, ये आपके पास सेकंड नंबर की यूनिट है। ज़्यादातर यूनिवर्सिटियों में यूनिट नंबर सेकंड है, चाहे वो राजस्थान यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो भरतरी यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो ब्रज यूनिवर्सिटी हो, ज़्यादातर यूनिवर्सिटियों में यही है, और आरआर कॉलेज में भी ये सेकंड नंबर की यूनिट है। अब सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है या उपसहसंयोजक यौगिक क्या होते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा मैं आपको बेस बताऊंगा, शायद आपने पिछली बार इतना नहीं पढ़ा हो तो मैं आपको बेस बताता हूँ। देखो, आपने नाम सुना होगा लवण का, या जिसको हम बोलते हैं साल्ट, सुना है, सबने सुना है, सबने लवण का नाम सुना है। ठीक है, तो हमारे पास जो लवण होते हैं ना, सबसे पहली बात करता हूं लवण के, लवण तीन प्रकार के होते हैं। एक तो हमारे पास होता है सरल लवण, जिसको हम बोलते हैं सिंपल साल्ट। क्या बोलते हैं? सिंपल साल्ट। जैसे मान लीजिए आपके पास है सोडियम क्लोराइड, ये क्या हो गया? साल्ट हो गया, सिंपल साल्ट है। इसमें एक प्लस वाला है, एक माइनस वाला है। साल्ट का मतलब तो आपको पता होगा ना, साल्ट का मतलब क्या है कि इसमें एक प्लस वाला भाग हो, एक माइनस वाला भाग हो, उसे हम क्या बोलते हैं? साल्ट बोलते हैं। साल्टों को हमने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो हो गया सिंपल साल्ट, जैसे NaCl है, KCl है, MgCl2 है, ये हमारे पास क्या हो गया? सिंपल साल्ट। दूसरा हमारे पास आता है द्रिक लवण, जिसको हम बोलते हैं डबल साल्ट। क्या बोलते हैं बच्चों? डबल साल्ट। डबल साल्ट में क्या होता है? डबल साल्ट में क्या होता है? दो साल्ट आपस में मिल जाते हैं। डबल साल्ट में क्या होता है? दो सिंपल साल्टों को आपस में मिला दो तो वो हमारे पास क्या बन जाता है? डबल साल्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? डबल साल्ट बन जाता है। जैसे मान लो आपके पास है KCl, आपके पास है MgCl2, आपने इनको मिला दिया। मिलाया कैसे आपने? पानी में डालकर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? डबल साल्ट हो गया। क्या हो गया? डबल साल्ट हो गया। और तीसरा हमारे पास आता है उपसहसंयोजक यौगिक, यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तीसरा क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसको हम संकुल यौगिक भी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? संकुल यौगिक भी बोल रहे हैं। ठीक है, तो हमको किसके बारे में पढ़ना है? हमको पढ़ना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में, संकुल यौगिक के बारे में, या इसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, सिंपल साल्ट का मतलब समझ में आ गया, ये NaCl हो सकता है, KCl हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। डबल साल्ट का मतलब क्या हुआ? डबल साल्ट का मतलब दो सिंपल साल्ट है, आपस में क्या हुआ है? उनको मिला दिया, तो वो हमारे पास क्या होता है? डबल साल्ट होता है।
तीसरा हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये क्या होता है जो हमको पढ़ना है। ठीक है, तो सिंपल साल्ट को तो आप हटा दीजिए, इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस देखने वाले हैं। ठीक है, देखो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उपसह संयोजक यौगिक है, उनमें आपको कुछ इस तरीके का यौगिक मिलेगा, जैसे मान लो इस तरीके का यौगिक मिलेगा ऐसा, जिसमें एक बड़ा ब्रैकेट होगा, ये ऐसे कोई अंदर मेटल होगा और ये कुछ मॉलिक्यूल जुड़े हुए होंगे, और बाहर ऐसा कोई आयन होगा पीछे या आगे, ऐसा दिखाई देगा। अब आप बोलेंगे सर ये डबल साल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या डिफरेंस है, डबल साल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या डिफरेंस है, तो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना। जब ये डबल साल्ट को आप पानी में डालोगे ना, आप पानी में डालोगे तो इसमें से ये KCl वाला भाग अलग हो जाएगा, ये MgCl2 वाला जो भाग है ना वो अलग हो जाएगा। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होगा, ये जो बड़े ब्रैकेट वाला भाग आपको दिख रहा है ना, इसको आप पानी में डालोगे या किसी भी चीज में डालोगे ना, तो ये अलग नहीं होता, ये Cl वाला भाग तो अलग हो जाएगा इसका बाहर वाला, लेकिन जो ये आपको बड़े ब्रैकेट में भाग दिख रहा है ना, जब आप इसको पानी में डालोगे तो ये बिल्कुल भी इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये अलग नहीं होगा। तो ये हमारे पास क्या होता है, इसको, इस वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, संकुल बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये इसको कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं, ये क्या चीज़ है, इसको डिटेल में समझाएंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो इसको ही समझाना है हमें, तो इसकी ही बात हम आगे करते हैं। तो मैंने इन तीनों के बारे में आपको बता दिया, आपको पता होना चाहिए। तो अब हमको पढ़ना किसके बारे में है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में, उपसह संयोजक यौगिक के बारे में हमको पढ़ना है। तो अब सबसे पहले हम उपसह संयोजक यौगिक की बात करते हैं। देखो यहाँ पे जब भी आप बड़ा ब्रैकेट कुछ इस तरीके से देखते हो, तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की एक तरीके से पहचान होती है। अब इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपके पास ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, मैं एक एग्जांपल से बताता हूं। देखो उपसह संयोजक यौगिक में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है, जो ये आपको दिख रहा है ना मेटल, जैसे ये कोबाल्ट दिख रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मेटल बोलते हैं, धातु बोलते हैं इसको, हम जो सेंटर में है ना इसको हम क्या बोलते हैं, मेटल। और ये इससे जो जुड़ा हुआ है ना बीच में, ये इसको हम क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं। आपने नाम सुना हुआ होगा, लिगेंड नाम सुना होगा, ठीक है, और इंग्लिश में भी इसको लिगेंड ही बोलते हैं। अब आप बोलोगे सर इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, देखो बच्चों मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे जो मेटल है ना, मेटल और ये जो अमोनिया है, इनके बीच में बॉन्ड बना हुआ है। मतलब देखो ये 6 अमोनिया है ना, तो मेटल के साथ 6 अमोनिया ने बॉन्ड बना रखा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे 6 अमोनिया ने बॉन्ड बनाना है। तो आप पूछेंगे सर ये इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, बॉन्ड तो औरों में भी बना होता है, लेकिन इसको हमने अलग से नाम क्यों दे दिया। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, देखो आपको पता है बॉन्ड बनता है कैसे बनता है, दो एटम होते हैं आपस में, वो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करते हैं और उनके बीच में बॉन्ड बन जाता है, ऐसा होता है, आपको पता है। लेकिन यहां पर क्या होता है वो मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां पे जो मेटल है ना, जैसे मान लीजिए ये कोबाल्ट है, ये बॉन्ड बनाना चाहता है, जो अमोनिया है वो भी बॉन्ड बनाना चाहता है, तो फिर क्या हुआ, यहां पे दोनों बॉन्ड बनाना चाहते हैं, लेकिन बॉन्ड बनाने के लिए यहां पे कोबाल्ट इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता, तो फिर क्या होता है, तो फिर यहाँ पर ये जो अमोनिया है ना, अमोनिया भाई है, इसको इलेक्ट्रॉन देने पड़ते हैं। एक बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन चाहिए हमको, एक बॉन्ड के अंदर हमको दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन देता है, वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अमोनिया देता है। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए 6 अमोनिया है, तो सारे के सारे जो अमोनिया है ना वो दो दो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो कोबाल्ट क्या कर रहा है यहाँ पर, कोबाल्ट यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रॉन लेने का काम कर रहा है भैया, और जो अमोनिया है ना वो इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है। तो
तो यही तो हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें एक एटम सिर्फ इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इलेक्ट्रॉन देता नहीं है, इलेक्ट्रॉन सिर्फ ले रहा है, और दूसरा जो एटम है ना, दूसरा जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है। तो वही तो हमारे पास क्या हुआ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यहां पे जो एटम, जो परमाणु इलेक्ट्रॉन लेने का काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेटल बोलते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है ना उसको हम क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं। ये बात ध्यान रखना, अभी आगे भी काम में आएगी। जो इलेक्ट्रॉन लेने का काम करता है यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्सेप्टर है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का काम कर रहा है वो हमारे पास क्या होता है, मेटल होता है, या इसको हम केंद्रीय धातु परमाणु, सेंट्रल मेटल आयन भी बोल सकते हैं। और जो लिगेंड होता है ना वो इलेक्ट्रॉन डोनर है, इलेक्ट्रॉन डोनर है, इलेक्ट्रॉन दाता है। तो यही तो हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ठीक है, अब बाकी की चीज हम पढ़ते हैं, बाकी की चीज क्या होती है। अब देखो यहां पे लिगेंड मान लो यहां लिखा हुआ है 6, अमोनिया लिखा हुआ है, अमोनिया को ब्रैकेट में लिया हुआ है और यहां लिखा हुआ है 6। 6 का मतलब क्या है, 6 का मतलब है कि कोबाल्ट से 6 अमोनिया जुड़े हुए हैं। कितने अमोनिया जुड़े हुए हैं, 6 अमोनिया जुड़े हुए हैं। ये जो 6 है ना इसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं, समन्वय संख्या। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। ये क्या चीज होती है भैया, ये क्या चीज होती है, देखो जो मेटल आयन है, जो सेंट्रल मेटल एटम है उससे जितने लिगेंड जुड़े हुए हैं ना वो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर है। मान लीजिए मेटल से एक लिगेंड जुड़ा हुआ है तो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होगी 1, 2 जुड़े हुए हैं कोऑर्डिनेशन नंबर होगी 2, 3 जुड़े हुए हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगी 3, 4 जुड़े हुए हैं तो 4, 5 जुड़े हुए तो 5, 6 जुड़े हुए तो 6, 7 जुड़े हुए तो 7। तो जितने लिगेंड हमारे पास जुड़े हुए होंगे ना मेटल से वो हमारे पास क्या होता है, समन्वय संख्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ठीक है, तो ये जो बड़ा ब्रैकेट है ना, इस बड़े ब्रैकेट की आपको पूरी हिस्ट्री मैंने आपको समझा दी। बड़े ब्रैकेट के अंदर सिर्फ दो चीजें रहेंगी, एक तो रहेगा मेटल, एक रहेगा लिगेंड, एक रहेगा मेटल, एक रहेगा लिगेंड, रट लो, एक धातु एक लिगेंड। ठीक है, अब इसके बाद आप कहेंगे सर ये बड़े ब्रैकेट के बाहर ये क्या लिखा है, इसको हम बोलते हैं प्रति आयन, काउंटर आयन। सर ये काउंटर आयन क्या है, काउंटर आयन भी बड़ी मजेदार चीज है भैया। देखो जब आप किसी कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे हो, साल्ट के बारे में पढ़ रहे हो, जैसे आपने पढ़ा Na+ के बारे में पढ़ा, Na+ के बारे में पढ़ा, तो Na+ के बारे में पढ़ा, आप किसको क्या बोलोगे, आप इसको बोलोगे ये है मेटल आयन, ये है पॉजिटिव आयन, ऐसे बोलोगे। आपने Cl- के बारे में पढ़ा तो आप क्या बोलोगे, क्या है ये है नेगेटिव आयन। अब मैं बोलूंगा अगर आपने प्लस और माइनस को मिला दिया तो ये क्या बनेंगे, ये बनेगा साल्ट। तो यहां पे ये जो ब्रैकेट वाला भाग है ना, ब्रैकेट वाला भाग ये हमारे पास प्लस या माइनस का होगा, प्लस या माइनस का होगा, इसको न्यूट्रल करने के लिए, इसको उदासीन करने के लिए इसके बाहर कोई आयन तो जोड़ना पड़ेगा, कोई आयन जोड़ना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों अगर यहां पे ये प्लस वाला भाग है, मान लीजिए ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ भाग है वो प्लस है, तो यहां पे माइनस वाला जोड़ेंगे। अब यहां पे Cl3 लिखा हुआ है, एक Cl पे -1 चार्ज होता है, यानी कि यहां पूरे ब्रैकेट पे कितना चार्ज था, +3 था, इसको न्यूट्रल करने के लिए हमने यहां पे 3 Cl जोड़े हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे सर अगर इस पे माइनस चार्ज होता तो क्या होता, अगर इस पे माइनस चार्ज होता ना
तो हम इसमें प्लस वाला आयन जोड़ते, क्या जोड़ते, प्लस वाला आयन जोड़ते। लेकिन प्लस वाला आयन हमेशा हम कहाँ जोड़ेंगे, आगे जोड़ेंगे, ध्यान रखना। क्योंकि जब भी हम किसी साल्ट के बारे में पढ़ते हैं हम प्लस वाले आयन को पहले रखते हैं, माइनस वाले आयन को बाद में रखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास सोडियम क्लोराइड है, आप हमेशा सोडियम क्लोराइड ही लिखते हो ना, ये प्लस वाला ये माइनस वाला। कभी आपने क्लोराइड सोडियम लिखा है क्या, लिखा है आपने? उल्टा कभी माइनस वाले को पहले लिखा है, सोडियम वाले को बाद, प्लस वाले को बाद में लिखा है, लिखा है क्या? नहीं लिखा, क्योंकि ये नियम है कि प्लस वाला पहले लिखा जाएगा और माइनस वाला बाद में। तो आपको सिंपल सा काम करना है, अगर इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे प्लस चार्ज हो तो उस पर माइनस लगाना है, भार वाले पे, भार वाला माइनस का होगा, और इस ब्रैकेट पर माइनस चार्ज है तो बाहर प्लस वाला होगा। तो ये मैंने आपको किसके बारे में बताया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बताया, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको दो तीन चीजें आपको मैंने बताई, जैसे मेटल आयन क्या है, लिगेंड क्या है, ठीक है। उसके बाद काउंटर आयन भी मैंने आपको बताया, उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर भी मैंने आपको बताया। तो उम्मीद करता हूं ये आपको याद हुई होगी। तो अब हम इसमें थोड़ा सा आगे की बात करते हैं, ठीक है। अब आप में से कुछ स्टूडेंट बोलेंगे, सर ये जो लिगेंड है, इस लिगेंड के बारे में कुछ डिटेल में बताइए। तो अब हम किस में बात करेंगे, डिटेल में बात करने वाले हैं, किसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, हम बात करेंगे लिगेंड के बारे में, किसके बारे में, लिगेंड के बारे में बात करने वाले हैं। तो ध्यान से सुन लेना, जिसने ट्वेल्थ ध्यान से नहीं पढ़ी है वो यहाँ पढ़ लेना, क्योंकि लिगेंड अगर समझ में आएंगे तो आगे की जो हिस्ट्री है वो भी समझ में आएगी। मैंने अभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट किया है, उसका बस टाइटल दिखाया है आपको, इसका मतलब समझाया है, अभी आगे की बात भी हमको करनी है। तो यहाँ पे हम किसकी बात करने वाले हैं, लिगेंड की बात करने वाले हैं। तो ये लिगेंड क्या है, ठीक है, लिगेंड क्या है, मैंने आपको बताया था जो इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनर है, इलेक्ट्रॉन दाता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में उपसह संयोजक यौगिक में जो इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा, जो इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा, इलेक्ट्रॉन दाता का काम करेगा, वो हमारे पास क्या होता है, लिगेंड होता है। क्या होता है, लिगेंड होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर की बात कर रहे हैं। अब लिगेंड के कौन कौन से टाइप होते हैं वो हमको बताने हैं, ठीक है। तो यहां पे लिगेंडों में सबसे पहली चीज हम देख रहे हैं क्या, एक दंतुक लिगेंड, मोनोडेंटेट लिगेंड, टेट लिगेंड, ठीक है। मोनोडेंटेट लिगेंड की बात हम यहां पर करने वाले हैं, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कान लगा के सुनिएगा। मोनोडेंटेट लिगेंड सुनने से पहले लिगेंड का जो टाइप है वो सुनिएगा। देखो लिगेंड का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन देना, और इलेक्ट्रॉन भी वो कैसे देंगे, दो इलेक्ट्रॉन एक साथ दे सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का एक जो पूरा पेयर होता है, पूरा जोड़ा होता है, वो देने का काम कौन करता है, लिगेंड करता है। कौन करता है भैया, लिगेंड करता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कान लगा के सुनिएगा, क्या देखो इलेक्ट्रॉन देने का काम कौन करेगा। अब आप कहोगे सर जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो करेगा, नहीं, यहां पर इलेक्ट्रॉन कोई भी दे सकता है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो भी लिगेंड दे सकता है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो भी लिगेंड दे सकता है,
और जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है वो भी इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है। तो ध्यान रखना, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, माइनस चार्ज है, वो ही इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा। इलेक्ट्रॉन पेयर कोई भी दे सकता है, इलेक्ट्रॉन युग्म कोई भी दे सकता है, चाहे वो फिर नेगेटिव वाला हो, पॉजिटिव वाला हो, न्यूट्रल वाला हो, क्या फर्क पड़ता है यार, इलेक्ट्रॉन का पेयर ही तो देना है, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा देना है, कोई भी दे सकता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए SO4-2 है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, नेगेटिव वाला। NH3 है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और मान लीजिए NH4+ है, ये भी दे सकता है। इलेक्ट्रॉन का पेयर देना है, क्या मतलब उसके पास माइनस हो, प्लस हो, या कोई चार्ज नहीं हो, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो नेगेटिव वाले, पॉजिटिव वाले और न्यूट्रल तीनों दे सकते हैं। अब लिगेंड की बात करते हैं। लिगेंड में सबसे पहले बात करते हैं एक दंतुक लिगेंड की बात करते हैं। ठीक है, एक दंतुक लिगेंड की बात करते हैं। ये एक दंतुक लिगेंड कौन से होते हैं? ठीक है, देखो, एक मोनोडेंटेट एक दंतुक, ठीक है, वन इलेक्ट्रॉन पेयर, ऐसे ग्रुप, ऐसे समूह जो इलेक्ट्रॉन का केवल एक जोड़ा दे सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का केवल एक जोड़ा देंगे, एक पेयर देंगे, मतलब दो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं बस। कोई भी ग्रुप है, सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, दो इलेक्ट्रॉन यानी कि एक जोड़ा। तो जो एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन दे सकता है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है, उसको हम बोलते हैं मोनोडेंटेट। अब आप कहेंगे, सर इसमें अगर आ गया द्विदंतुक, डाइडेंटेट आ गया, बाइडेंटेट आ गया, सॉरी ट्राइडेंटेट आ गया, बाई आ जाता है, तो दो जो लिगेंड होगा वो दो इलेक्ट्रॉन के जोड़े देगा, एक और दो। ध्यान से सुनिएगा, अगर इसकी जगह आ जाता है द्विदंतुक लिगेंड, अभी बता देता हूं और डिटेल में मैं बताऊंगा। अगर हमारे पास आ जाता है, जो भी आएगा द्विदंतुक लिगेंड, तो इसका मतलब क्या हुआ, बाइडेंटेट का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन के दो जोड़े दिए जा रहे हैं, तो वो बाइडेंटेट। ठीक है, अब त्रिदंतुक क्या है, ट्राइडेंटेट मतलब एक ही हमारे पास क्या है, एटम है, वो मेटल को एक जोड़ा, दो जोड़ा और तीन जोड़ा, यानी कि इलेक्ट्रॉनों के तीन पेयर, तीन जोड़े दे रहा है। चतुर्दंतुक आ जाता है तो चार जोड़े दे रहा है। पंचदंतुक आ जाता है, यानी कि पेंटल डेंटेट आ जाता है, तो पांच। षटदंतुक आ जाता है तो छह, यानी कि हेक्साडेंटेट। तो यहां पे मोनोडेंटेट की बात हम कर रहे हैं, जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन का पेयर, एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा देना है। ठीक है, अब आगे की बात हम यहां पे करते हैं। अब मोनोडेंटेट के अंदर भी तीन तरह के यहां पर हो सकते हैं, एक तो धनायन, ठीक है, एक ऋणायन, एक उदासी। जो मोनोडेंटेट लिगेंड है, इनके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, प्रॉपर मेरी हैंडराइटिंग में मिल जाएंगे, इतने शानदार नोट्स है, एक बार पढ़ते ही याद हो जाएंगे आपको। ठीक है, तो यहां पे पॉजिटिव वाले, मैं लिख देता हूं, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। ठीक है, तो जो लिगेंड है वो तीन तरह के हो जाएंगे, एक तो पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक न्यूट्रल, तीन तरह के यहां पर लिगेंड हो जाएंगे। ठीक है, अब पॉजिटिव में तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, और न्यूट्रल में क्या होगा, न्यूट्रल चार्ज होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोनोडेंटेट के अंदर पॉजिटिव वाले आयंस की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले, हालांकि पॉजिटिव वाले सबसे कम होते हैं, पॉजिटिव NO2+ एक है, NO2
वो सॉरी एनओ प्लस, एनओ टू प्लस, एनओ प्लस, ठीक है। ए इसी तरीके से आप कोई भी जोड़ सकते हैं। एक है आपके पास एनएच टू एनएच थ्री प्लस, ये देखो पॉजिटिव आयन में पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है। देखो जब भी आप पॉजिटिव वाले को लिखोगे, अब इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं नाइट्रो आयन बोलते हैं, लेकिन जब आप इसको लिखोगे तो इसको आप क्या लिखोगे, नाइट्रोनियम। क्या लिखोगे, नाइट्रोनियम। हिंदी मीडियम वाले भी इंग्लिश का नाम देखेंगे क्योंकि वो हिंदी में गलती कर जाएंगे, नाइट्रोनियम। इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोसो। एक ऑक्सीजन कम हो गया इसमें, एक ऑक्सीजन कम हो गया, नाइट्रोसो एक ऑक्सीजन कम हो गया, इसलिए ये सैड हो गया, इसलिए नाइट्रोसो नियम, ठीक है। तो ये क्या हुआ, नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम आयन NH2 NH3+। अब देखो यहां पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रेजिनियम। क्या इसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रेजिनियम आयन बोलेंगे, ठीक है, हाइड्रेजिनियम आयन। तो एक बात आप नोटिस कर रहे होंगे यहां पे, जब भी मैंने पॉजिटिव चार्ज वाला आयन लिखा है उसके लास्ट में क्या लगाया है, आई यू एम, आई यू एम, ठीक है। तो ये मैंने पॉजिटिव चार्ज वाले लिखे हैं, तो आपको तीन चार पॉजिटिव चार्ज वाले आयन याद रखने हैं। तो ये हमारे पास क्या हुए, पॉजिटिव चार्ज वाले आयन हुए, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज वाले आयन सबसे कम है, ज्यादा नहीं है, ठीक है। अब यहां पे हम देखने वाले हैं क्या, हम यहां पे देखने वाले हैं न्यूट्रल वाले, ठीक है। तो न्यूट्रल जैसे मान लीजिए हमारे पास NH3, और एक चीज और बता दूं, देखो यहां पे सबों पे प्लस प्लस प्लस, सबों पे प्लस चार्ज है, प्लस वन प्लस वन प्लस वन, याद रखना इन पे चार्ज है, काम आएगा। न्यूट्रल पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल पे कोई चार्ज नहीं होता। अमोनिया है, क्या चार्ज है, जीरो, जभी तो हम न्यूट्रल बोल रहे हैं, कोई चार्ज नहीं है, जभी तो हम जीरो बोलते हैं। देखो इसका नाम वैसे तो क्या है, अमोनिया, लेकिन जब आप इसको लिखोगे ना, अगर आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर लिखोगे एमीन, इसको लिखना पड़ेगा। देखो अभी मैं नोमेनक्लेचर बताऊंगा आपको, नामकरण बताऊंगा, नामकरण में आपको लिगेंडो के नाम तो भैया पता होने चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपको नामकरण शानदार हो जाए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, एक एक चीज बताऊंगा मैं डिटेल में, लेकिन उसके लिए आपको ये तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आपको ये नाम याद रखने पड़ेंगे, मैं सारे नाम आपको अवेलेबल करवा दूंगा, लेकिन आपको ये नाम याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। देखो एक हमारे पास है H2O, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्वा, इसको हम क्या लिखेंगे, एक्वा के नाम से लिखेंगे, ठीक है। एक हमारे पास है PH3, तो इसको हम क्या लिखेंगे, फॉस्फिन लिखेंगे। सभी पे कोई चार्ज नहीं है, सारे के सारे ध्यान रखना ये न्यूट्रल है। एक है CO, वैसे तो इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाम सुना होगा, जैसे CO2 होती है कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्योंकि अकेला रह गया, लेकिन इसको हम लिखते हैं कार्बोनाइल लिखते हैं, इसको हम क्या लिखते हैं, कार्बोनाइल, या हिंदी में हम कार्बोनिल भी लिखते हैं। देखो ये नाम है ना, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों इंग्लिश में देखना, क्योंकि हिंदी में करने जाओगे आपसे गलती होगी। तो मेरी सलाह तो यही है कि आप इंग्लिश में देखिए, हिंदी में आप कर सकते हो कन्वर्ट, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी बता दूंगा। जैसे एमीन को एमीन ही लिखना है, एक्वा को एक्वा ही लिखना है, फॉस्फिन को फॉस्फिन लिखना है, एमीन को एमीन लिखना है, लेकिन इंग्लिश में नाम देखोगे ना तो आपको बिल्कुल करेक्ट नंबर मिलेंगे, आपके नंबर नहीं कटेंगे भैया, तो इसलिए आपको ये बात पे ध्यान देना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देखनी है, और इसी तरीके से आपके पास और भी
कंपाउंड हैं, बहुत सारे कंपाउंड है। ऐसा नहीं है कि दो चार कंपाउंड ही है, बहुत सारे कंपाउंड है जिनके नाम आप लिख सकते हो। जैसे मान लीजिए, अब ये देखो, अब मैं कितने लिखवाऊँगा ना। अब जैसे एक पिरिडीन है, पिरिडीन का नाम सुना है, पिरिडीन, पिरिडीन भी होता है, पिरिडीन, ये आपको पी वाई करके लिखा होगा। अब आप कहोगे पिरिडीन क्या होता है, पिरिडीन कुछ इस तरीके से संरचना होती है बेंजीन जैसी, जिसमें लेकिन एक कार्बन की जगह नाइट्रोजन जुड़ा होता है, ये अंतर होता है इसमें, नहीं तो पिरिडीन ऐसा होता है। ठीक है, इसके अलावा और कौन से हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा मिटा देता हूँ। कोई नहीं करवाएगा नॉमन क्लेचर में, आपको इतने सारे नाम कोई नहीं करवाएगा जितने मैं करवाऊंगा, और अलग से नोट्स में भी दूंगा, इतने नाम कोई नहीं करवाएगा। एक है NO, आपने CO को क्या लिखा, कार्बोनाइल लिखा, कार्बोनाइल या कार्बोनिल लिखा, इसको क्या लिखेंगे, इसको नाइट्रोसिल, इसको हम नाइट्रोसिल लिखेंगे, उसको कार्बोनिल लिखा, इसको नाइट्रोसिल लिखेंगे। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास और क्या है, ठीक है, ये कोई कंपाउंड है, ठीक है, ये कंपाउंड आपने देखा है। देखो यहाँ पे अगर हमारे पास ऑक्सीजन होता है, ज़्यादातर आपने ये देखा है यहाँ ऑक्सीजन होता है, लेकिन अगर ऐसे है सल्फर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, थायो यूरिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थायो यूरिया बोलते हैं, क्योंकि थायो का मतलब क्या है, ये सल्फर से है। ठीक है, थायो यूरिया बोलते हैं, सल्फर बोलते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे कंपाउंड है, लेकिन हम कितने लिखवाएं, तो ये हमारे पास कौन कौन से हुए, एक तो पॉजिटिव वाले हुए और एक न्यूट्रल वाले हुए, ये मैं मिटा देता हूँ थोड़ा सा। अब जो मेन चीज है ना, जिसके सबसे ज्यादा लिगेंड आते हैं वो नेगेटिव वाले है ना, रिनायन, जो नेगेटिव वाले आयन है ना, नेगेटिव आयन, उनकी बात हम करने वाले हैं, तो उनको ध्यान से सुनिएगा। नेगेटिव आयन बहुत सारे हैं, ठीक है, जैसे आपके पास आ गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, ये आपने सुने होंगे, इनसे बने हुए आयन, OH- आयन, CN-, ठीक है, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड है, CN है और NC है, ये ऐसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे कंपाउंड है, ठीक है, NO2- है, ठीक है, और भी बहुत सारे कंपाउंड है, जैसे HCN है, NCS है, NCS, ये डैश का निशान का मतलब है जुड़े हुए हैं, ठीक है, HCN-, NCS-, ये सारे जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये सारे जुड़े हुए हैं। इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर देते हैं, चलो करेक्शन तो क्या करें, एक ही बात है। अब देखो आप कहोगे कि सर यहां पे क्या चेंज करना है, देखो फ्लोरीन लिखा हुआ है तो इसको आपको या तो आप लिखोगे फ्लोरो, या तो आप लिखोगे फ्लोरो, या आप इसको लिखोगे फ्लोरिडो, ठीक है, इसको आप क्या लिखोगे, क्लोरीडो, कई जगह क्लोरो लिखा हुआ है ना, तो वो भी आपके पास सही है, गलत नहीं है, ब्रोमीडो, आयो डाइडो, आयोडो भी लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं है, दोनों चीजें सही है। OH- हाइड्रोक्सो, ठीक है, साइनाइड, इसको लिखा हुआ है साइनो, या हम अपनी वाली चलते ना साइनिडो, साइनिडो, और ये उल्टा हो गया, उल्टा हम लगाते हैं आइसो, है ना, आइसो, तो ये हमारे पास हो जाएगा आइसो साइनिडो या आइसो साइनो, उल्टा हो गया ना, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। NO2 नाइट्रिटो,
ठीक है। और देखो आपको दिख रहा है सबों पे मैंने एक एक माइनस लगा रखा है, एक 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 माइनस लगा रखा है, इसका मतलब क्या है, सबों पे माइनस वन चार्ज है, यहाँ वालों पे सबों पे क्या है माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन चार्ज है, ठीक है। इसके अलावा एन एच टू माइनस, इसको हम बोलते हैं एमीडो, ठीक है। नेगेटिव आयन में जो मोनोडेंटेट है उनकी कमी नहीं है, सी एस थ्री सी ओ ओ माइनस एसिटिटो, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एसीटेट बोलते हैं ना, एसीटेटो, ठीक है, एसीटेटो। और इसके अलावा एस ओ फोर टू माइनस, अब देखो यहाँ पे टू माइनस चार्ज आ गया तो इसको हम बोलेंगे सल्फेटो, सल्फेटो। एक चीज आपने नोटिस की, क्या आपने नोटिस की, फ्लोराइड में जैसे हम नाम लिखते हैं फ्लोराइड आई डी ई लिखते हैं, उसको मैंने क्या कर दिया, आई डी ओ कर दिया। आप में से कुछ लोग कहेंगे कि सर हमको कैसे याद होंगे ये, कैसे याद होंगे, तो देखो आपके सामने कर दिया मैंने, जहां पे आई डी ई आता है फ्लोराइड बोलते हैं ना फ्लोराइड, तो उसको मैंने आई डी ओ कर दिया, क्लोराइड आई डी ओ कर दिया, ब्रोमाइड आई डी ओ कर दिया, आयोडाइड आई डी ओ कर दिया, और हाई आप कहेंगे हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको, आपने हाइड्रोक्साइड क्यों नहीं करा, कोई बात नहीं, इसको हाइड्रोक्सीडो भी बोल सकते हैं, हाइड्रोक्सीडो बोल दो, ठीक है। साइनेड को साइनेडो कर दिया, आइसोसाइनेडो को आइसोसाइनेडो कर दिया, तो आई डी ई था, इनमें भी आई डी ई था, आई डी ओ कर दिया, ठीक है। और आप कहेंगे ये क्या किया, देखो इसको हम बताएंगे, पहले इसको बताते हैं, देखो आई डी ई एमाइड इसको बोलते हैं, एमाइड एमाइड से बनाया आई डी ओ, ठीक है। एक चीज और बताता हूँ, देखो इसको क्या बोलते हैं, एसीटेट, टेट लास्ट में क्या आ रहा है, एट है ना, एसीटेट, तो इसको हम क्या कर दिया, टेटो टेटो टो टेटो टेटो टेटो, टेटे को हम क्या कर दिया, टेटो टेकोटो टेकोटो कर दिया हमने। तो यहां पे सल्फेट आता है ना, इसको हमने क्या कर दिया, सल्फेटो सल्फेटो। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये समझ में आया, ये आपको ध्यान रखनी है, आई डी ई को आई डी ओ कर दिया, सल्फेट को सल्फेटो यहां पे हमने कर दिया, कितना सिंपल है ना यहां पे, ठीक है, ये हमने सिंपल कर दिया। और एक चीज और, ये हाँ ये बच गया, मैंने आपको बताया था ना ये और बच गया, तो इसकी भी बात करते हैं, ये हम क्या लिखते हैं, नाइट्राइट लिखते हैं, नाइट्राइट, तो हमने आई टी ई को कर दिया आई टी ओ कर दिया। तो देखो यहां पे देखने वाली बात ये है, जिसके लास्ट में ई है ना उसको हमने ओ करा है, फ्लोराइड को ओ कर दिया, ई को ओ करा है, आई डी ई था आई डी ओ हो गया, ए टी ई था वो ए टी ओ हो गया, एटो, ठीक है, ए टी ई हो गया वो भी सल्फेटो, ए टी हो गया वो सेम चीज लिख दिया ना दो बार, आई टी ई है वो आई टी ओ हो गया, लास्ट में ओ ही तो लगाना है, ई को हटा के ओ लगाया अपने, किया क्या, तो अगर हमको कॉमन नेम याद है इनका तो लास्ट में हटा के ओ लगाने में हमारा क्या जा रहा है ना, हमारा क्या जा रहा है। अब जैसे ये मैंने छोड़ दिया, एस सी एन को हम क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, थायोसाइनेट, क्या बोलते हैं, थायोसाइनेट, थायोसाइनेट, तो हमको क्या करना है, जो ई आता है उसको क्या कर देना है, ओ साइनेटो, और नाइट्रोजन पहले आ रहा है तो इसको क्या करना है, आइसोथायोसाइनेटो, क्या करना है, आइसोथायोसाइनेटो। तो ये हमारे पास क्या हुआ, नेगेटिव वाले लिगेंडो के नाम हो गए। नेगेटिव वाले लिगेंड और भी हैं, जैसे मान लीजिए सल्फाइटो, ऑक्सीडो, परोक्सीडो, कार्बोनेटो, सल्फीडो, इमिडो, बहुत सारे आपको बुक में मिल जाएंगे, या मैं जो नोट्स अवेलेबल करवाऊंगा ना, जितने आपको चाहिए ना उतने सारे के सारे मैं आपको करवाऊंगा, जो बुक में नहीं है ना। अब की बार ऐसा हुआ था एग्जाम में कि बुक के एग्जाम्पल आई नहीं,
तो बुक के बाहर के भी करवाऊंगा जो आने के चांस हैं। ठीक है, तो ये अभी तक हमारे पास चल रहे थे कौन से मोनोडेंटेट लिगेंड के बारे में बात चल रही थी हमारी। ठीक है, मोनोडेंटेट लिगेंड के बारे में बात चल रही थी। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं द्विदंतुक लिगेंड की। किसकी? द्विदंतुक लिगेंड की, लिगेंड की, जिसको हम क्या बोलते हैं? बाइडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। मोनोडेंटेट में क्या हो रहा था? वहां पे इलेक्ट्रॉन का केवल एक पेयर जा रहा था, यहां पे इलेक्ट्रॉन के दो पेयर जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये मेटल है, ये लिगेंड है। अब लिगेंड जो है ना, लिगेंड ने इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा दिया, पुचुक। लिगेंड ने दूसरे इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दिया, पुचुक। यानी कि दो इलेक्ट्रॉन के जोड़े दे रहा है, यानी कि टोटल चार इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बाइडेंटेट लिगेंड बोलते हैं, द्विदंतुक लिगेंड बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास है, ये हमारे पास क्या है, इसका नाम क्या होता है? ऑक्सिलेट, ऑक्सिलेट। और सीधी सी बात है, आपको नाम क्या करना है? ऑक्सिलेट। ठीक है, ये हमारे पास मेटल को, जब मेटल से ये रिएक्ट करता है तो इस तरीके से ये क्या करता है? दो इलेक्ट्रॉन के जोड़े देता है, एक ये वाला ऑक्सीजन, एक ये वाला ऑक्सीजन। इसको हम बोलते हैं ऑक्सिलेटो। और देखो, एक चार्ज इस पे है, एक चार्ज इस पे है, तो इस पे टोटल चार्ज क्या होगा? माइनस टू होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? द्विदंतुक लिगेंड हो गया। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे CH2NH2। ठीक है, CH2NH2, ये भी यहाँ पे, ये जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, मेटल को इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया? बाइडेंटेट लिगेंड हो गया। क्या हो गया? बाइडेंटेट लिगेंड हो गया। इसका नाम, इसका नाम देखो, शॉर्ट में इसको EN लिखते हैं। ठीक है, EN लिखते हैं। आप कहोगे वैसे क्या नाम होगा इसका पूरा? सिंपल सी बात है, दो कार्बन है, दो कार्बन को आप क्या बोलते हो? एथेन बोलते हो। ठीक है, अब पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, पहले कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है? NH2। दूसरे पे क्या जुड़ा हुआ है? NH2। यानी कि एक और दो नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है? NH2। और NH2 को हम क्या बोलते हैं? एमीन, 1,2-amine, 1,2-amine नहीं, 1,2-diamine, दो है ना, एक और दो, तो एथेन 1,2-diamine, इसको शॉर्ट में लिखा हुआ मिलेगा, ये EN मिलेगा। ठीक है, ये क्या मिलेगा? EN मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो दो इलेक्ट्रॉन के जोड़े देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? बाइडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइडेंटेट। एक त्रिदंतुक भी देखते हैं, त्रिदंतुक लिगेंड। क्या? त्रिदंतुक लिगेंड, ट्राइडेंटेट लिगेंड, ट्राइडेंटेट लिगेंड। अब ये ट्राइडेंटेट लिगेंड, नाम से ही पता लग रहा है, ट्राई यानी कि तीन, जो इलेक्ट्रॉनों के तीन जोड़े देते हैं वो होते हैं ट्राइडेंटेट लिगेंड। क्या होते हैं भैया? ट्राइडेंटेट लिगेंड। आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो सकता है? जैसे मान लीजिए यहाँ पर कुछ ऐसे जुड़ा हुआ है, एक दो CH2 ये। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, एक दो तीन चार इलेक्ट्रॉन देने वाले चार नाइट्रोजन हैं, और इस चारों के चारों नाइट्रोजन क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। ठीक है, हैं चारों के चारों, ओहो ओहो। अच्छा, मैंने पहले टेट्राडेंटेट बता दिया, सॉरी। चलो कोई नहीं, अब पहले मैंने ये लिख दिया, तो पहले ये देख लेते हैं, चतुर्दंतुक देख लेते हैं पहले, चतुर्दंतुक, टेट्रा, सॉरी ट्राई वाला भी ऐसा ही है। तो एक दो तीन चार, यहाँ पे चार दे रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? टेट्राडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेट्राडेंटेट लिगेंड बोलते हैं, चार इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं। इसका नाम, इसका नाम देखो, चार अमोनिया है तो टेट्राएमीन लिख सकते हैं, टेट्राएमीन, दिख रहा है ना, टेट्राएमीन।
और कार्बन को देखो नंबर तो हम दे ही नहीं सकते, कार्बन को हम नंबर नहीं दे सकते क्योंकि कार्बन बीच बीच में है। तो देखो ये दो कार्बन, ये दो कार्बन, ये तीन कार्बन के जोड़े हैं, तो इसको हम क्या लिख रहे हैं, ट्राई एथीन एथिलीन, है ना, कॉमन नेम दे रहे हैं हम इसको, ठीक है। तो ट्राई एथिलीन ये कॉमन नेम, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, टेट्राडेंटेट लिगेंड हो गया। एक अभी सॉरी वो ट्राइडेंटेट नहीं बताया था, बताते हैं अभी, कोई बात नहीं, कहाँ की जल्दी है। तो त्रिदंतुक लिगेंड जो अभी बात चल रही थी, जिसकी जगह हमने टेट्राडेंटेट लिख दिया था गलती से, उसकी बात करते हैं। ट्राइडेंटेट ठीक है, इसकी बात करते हैं। ट्राइडेंटेट क्या है इसमें, ठीक है, ट्राइडेंटेट में तीन होंगे, ठीक है। जैसे मान लो NH2CH2, 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 कितना हो गए, और NH2। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने वाले कितने हैं, 1, 2, 3, तो ये क्या हो गया, ट्राइडेंटेट लिगेंड हो गया, ठीक है। जो तीन इलेक्ट्रॉनों के पेयर देता है उसको हम ट्राइडेंटेट लिगेंड बोलते हैं, ठीक है। नाम जैसे इसका लिखा ट्राई एथिलीन, इसका लिखो डाई एथिलीन, क्योंकि दो एथिलीन, देखो एक एथिलीन दो एथिलीन, डाई एथिलीन, और ये NH2 कितने हैं, तीन है, तो डाई एथिलीन ट्राई एमीन, ये हमारे पास क्या हो गया, ट्राइडेंटेट लिगेंड हो गया, त्रिदंतुक लिगेंड हो गया, ठीक है। त्रिदंतुक लिगेंड हो गया, ट्राइडेंटेट हो गया, टेट्राडेंटेट हो गया, एक एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और बाकी के जो एग्जांपल है वो नोट्स में मिलेंगे, शानदार तरीके से मिलेंगे, ठीक है। ये टेट्राडेंटेट हो गया, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं पेंटाडेंटेट का, पंचदंतुक लिगेंड, पेंटाडेंटेट लिगेंड, ठीक है, पेंटाडेंटेट लिगेंड। अब इसमें आपको सीधी सी बात पता है, पेंटाडेंटेट लिगेंड में पांच होंगे, ठीक है, पेंटाडेंटेट लिगेंड में क्या होंगे, पांच होंगे, पांच इलेक्ट्रॉन देने वाले एटम होंगे, पांच, जरूरी है नाइट्रोजन हो, कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये है N, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए इसके आगे कुछ और जुड़ा हुआ हो, मान लो जैसे ये ग्रुप जुड़ा हुआ है CH2COO-, इसके आगे भी जुड़ा हो CH2CO-, CH2COO-, ठीक है। तो यहाँ पे एक HO जोड़ देते हैं ना, तो ये हमारे पास क्या हो गया, पंचदंतुक लिगेंड हो गया, पेंटाडेंटेट लिगेंड हो गया। इसका बड़ा फेमस नेम भी है, इसको EDTA भी बोलते हैं, ठीक है। EDTA क्यों, क्यों, एथिलीन डाइएमीन, कई कॉमन लिखते हैं EDTA, नाम सुना होगा आपने बहुत बार, EDTA मतलब एथिलीन, दो कार्बन है एथिलीन, उसके बाद डाइएमीन और ट्राई एसीटेट, टी का मतलब ट्राई एसीटेट है, यहाँ पे ट्राई एसीटेट लिख रहा हूँ मैं, ध्यान रखना ट्राई एसीटेट, ये ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। अब आप बोलोगे हेक्साडेंटेट क्या होता है, हेक्साडेंटेट, हेक्सा षटदंतुक जिसमें छः हों, तो अगर देखो यहाँ पे हाइड्रोजन हटाकर मैंने एक और जोड़ दिया एसीटेट ग्रुप CH2CO-, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे हेक्साडेंटेट लिगेंड, नाम इसका क्या होता है EDTA, इसको भी EDTA बोल देते हैं, क्यों, क्योंकि वहां पे टी का मतलब था ट्राई एसीटेट, यहाँ पे चार हो गए तो टेट्रा एसीटेट, तो ये यहाँ पे चार हो जाते हैं, तो एथिलीन, ये दो एथिलीन, इसको हम क्या लिखेंगे, एथिलीन, दो कार्बन को एथिलीन, फिर ये डाइएमीन, डी से डाइएमीन, टी से टेट्रा और ए से एसीटेट, तो ये चार डेंट हो गए, ठीक है ये।
तो ये हमारे पास क्या हुआ, लिगेंडो के प्रकार हो गए, टाइप्स ऑफ लिगेंड हो गए, जिसमें इतने इतने थे। अब लेकिन है ना, एक एक बात और करनी है मुझे लास्ट में लिगेंडो के बारे में। मैंने सारा डिटेल में बता दिया लिगेंडो के बारे में, एक बात और करनी है, ठीक है। एक हमारे पास होते हैं उभयदंतुक लिगेंड और होते हैं, उभयदंतुक लिगेंड और होते हैं, जिसको हम बोलते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड, एम्बीडेंटेट लिगेंड, ठीक है। जैसे सी है, उभयदंतुक लिगेंड का मतलब है जिसमें दो एटम ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन के जोड़े दे सकते हैं। मतलब एक जो ये है ना, दो मतलब ये कार्बन भी एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दे सकता है, नाइट्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दे सकता है, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन के पेयर को दे सकता है। अब आप कहेंगे सर ऐसा तो बाइडेंटेट लिगेंड भी हो रहा था, बाइडेंटेट लिगेंड में भी दो थी, ठीक है, लेकिन हाँ हो रहा था, लेकिन यहां पर एक अलग चीज है वो ध्यान रखना, वो क्या है कि बाइडेंटेट लिगेंड में एक ही टाइम पर दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए जा रहे थे, लेकिन यहां पर थोड़ी सी अलग बात है, यहां पर एम्बीडेंटेट लिगेंड में एक टाइम पर सिर्फ इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा जाएगा। अगर मान लीजिए CN में कार्बन कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन का जोड़ा देता है, इलेक्ट्रॉन का पेयर देता है, तो नाइट्रोजन नहीं देगा, और नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर देता है तो कार्बन नहीं देगा, इनमें से एक ही दे पाता है दोनों के पास इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है, लेकिन देगा एक ही। ऐसे ही हमारे पास SCN, यहां पर सल्फर के पास भी है, नाइट्रोजन के पास भी है, ठीक है, लेकिन एक टाइम पर एक ही देगा, दो जोड़े हैं लेकिन एक टाइम पर एक ही देगा, या तो सल्फर देगा या नाइट्रोजन देगा, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड। और एक ही टाइम पर दोनों इलेक्ट्रॉन के जोड़े डोनेट हो जाते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन के जोड़े चले जाते हैं, तो वो हमारे पास बाइडेंटेट लिगेंड होता है, द्विदंतुक लिगेंड होता है, ध्यान रखना, वो बात मैंने पहले ही बता दी, भूल मत जाना, ठीक है। तो ये हमारे पास किसकी बात हो गई, लिगेंड की बात हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, नोमेनक्लेचर और वर्नर्स थ्योरी की बात करेंगे। और अगर ये वीडियो आज आपने ध्यान से देखी है ना, तो अगली वीडियो में आपको मज़ा आ जाएगा, बिल्कुल शानदार तरीके से समझ में आने लगी है। तो बस मैं ये चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस पर व्यू आएँ, जिससे मैं आगे भी इसी तरीके से क्लास लेता रहूँ, ठीक है, और आपको मैं केमिस्ट्री पढ़ाता रहूं। आगे भी वीडियो आएगी आपकी, इनऑर्गेनिक की भी आएगी, ऑर्गेनिक की भी आएगी, फिजिकल की भी आएगी। ये जो वीडियो है ना, ये सारी यूनिवर्सिटी के लिए है और स्पेशल RR कॉलेज के लिए भी है, जिनके टॉपिक्स नहीं मिलते हैं। तो इसी साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि नेक्स्ट क्लास लूँगा तो मुझे वहाँ पर अच्छे व्यू मिल जाएंगे इस वीडियो से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद और बाय बाय।